अभी हम कुंभलगढ़ क्षेत्र में हैं साथियों, और कुंभलगढ़ की आदिवासी बस्ती में हैं, और आप देख सकते हैं इस पगडंडी रस्सी पर रास्ता है ये, और इस रास्ते में हम यहाँ पे कुछ आदिवासियों के मकान कवर करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो मकान है हमारे आदिवासी भाई का, कुंभलगढ़ तहसील में रासवन जिला, राजस्थान के रासवन जिले का कुंभलगढ़ ब्लॉक का आत्री पंचायत और संदूकों का गुड़ा गाँव का आओ का भीलवाड़ा में अभी हम हैं। और मकान घुस गया, आप लोग कई नाम है? शंकर, शंकर जी का मकान आपको दिखा रहे। शंकर जी आपको मकान गिर गयो? हाँ। तो आपको गवर्नमेंट का कोई मकान नहीं? कोई मिला? मकान नहीं मिला। हाँ? कोई नहीं मिला। जाओ, आपके मकान जो है इसी में रहते हो क्या? हाँ। अरे ज्यादा देखो ना मकान, ये देख लो, ये गिर गया मकान सारा, ये उड़ गया। साथियों यहाँ इंसान रहते हैं, नहीं कि कोई भेड़ बकरी या कोई पशु रहते हैं। ये इंसान रहने का मकान मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसके अंदर इंसान रहते हैं। आज भी इस गुफा जैसा ये मकान दिख रहे हो ना आप, ये आदिवासियों ने बड़ी मुश्किल से बड़ी मेहनत करके बनाया हुआ है। यहाँ इन मकान को केलू भी नसीब नहीं है, आप देख सकते हो यहाँ पे पल्लिया डाल के इसका छत बनाया हुआ है। और आप जमीन दिखाइए, देखिए इस जमीन पर आदिवासी रहते हैं। यहाँ नहीं सो पाते हैं तो ये जो इन्होंने खरीद के ला रखे पलंग लगा रखे हैं, यहाँ पे सोते हैं। कुछ जरूरत का सामान इस घर में है, आप दिखाने की कोशिश करते हैं। माजी हैं, इनके छोटे बच्चे हैं, और इनको लेकर इस परिवार को यहाँ इस कंडीशन में रहना पड़ता है। साथियों थोड़ा लाइट रखना, मोबाइल लाइट रखना। ओ भाई जी, आप लोग भी नाम पड़े? हाँ अड्डी में ही नहीं सुबह। हाँ। अट्ठाईस रो रोटियां भी अट्ठाईस बनाओ। हाँ। और कतरा बच्चा आप रहे? तीन को का भी बच्चा, तीन पांच, तीन कूका, तीन छोरा। हमारे बिलो में बच्चे को कूका बोला जाता है। जैसे महाराणा प्रताप का बात करें तो महाराणा प्रताप को भी कहते हैं कि महाराणा प्रताप भीलों के साथ रहे हैं, भीलों के साथ उन्होंने युद्ध सीखा है। महाराणा प्रताप को भीलों की भाषा में कूका बोलते थे। आपने इतिहास में पढ़ा होगा महाराणा प्रताप को कूका आदिवासी क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारे बच्चों को जो भीलों के बच्चे होते हैं उनको कूका बोलते हैं, और लड़की को कूकी, लड़की को कुकी बोलते हैं। तो इस तरह कितने बच्चा बच्ची आपके? पांच। पांच बच्चा बच्ची स्कूल जाते हैं? कितने बच्चे स्कूल जाते हैं? तीन। तीन बच्चे स्कूल जाते हैं, बाकी पांच साल से छोटे हैं, है ना? बड़े 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 हैं। तो बच्चा बच्ची क्या काम करते हैं आपके? बच्चा बच्ची तो मजदूरी करते हैं, होटल में करते। कौन सा होटल में है आप? दरीबा रेल मंगरा होटल में है। कितना रुपया देते हैं होटल में आप? 8,000 रुपए दे। कितना घंटा काम करना पड़ता है? तो आपने पढ़ाई नहीं की, आपकी उम्र तो पढ़ने लिखने की है। अच्छा, पढ़ाई नहीं किया आपने, है ना? कितनी पढ़ाई करके छोड़ दी थी? 8th class। 8वीं पढ़ के आप होटल में काम कर रहे हैं, और देख सकते हो आप बहुत ही खराब कंडीशन का को ये फेस कर रहे हैं, और बड़ी इसी मुसीबत में ये लोग रहते हैं। इनकी सुध लेने कोई नहीं आता है। साथियों इतिहास में आपने ऐसा इस तरह का वीडियो आपने नहीं देखा होगा। साथियों इस तरह का जमीनी स्तर पर हम कवर कर रहे हैं। हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक शेयर करें, ताकि यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद इन आदिवासियों के मकान देखें। ये जो मकान बना हुआ था ये गिर गया है। यहाँ क्या भेड़ बकरी वगैरह रखते थे क्या? नहीं, खुद रहता एक सुरौल में रहता। नहीं साथियों, ये भेड़ बकरी का स्थान नहीं है, पता चला है यहाँ पे इंसान रहते थे। एक बच्चा इसके अंदर रहता था, लेकिन ये भी हवा तूफान के साथ, हवा तूफान, कभी किसी का कोई नुकसान तो नहीं हुआ यहाँ पे? नुकसान तो बहुत भारी हुआ है सर। यहाँ पतला पतली सब अडारन पर ले गए, पाल हाथ जाए अडारन ले गए। ये इनकी बकरियां हैं, और इनकी बकरियां ये आदिवासी भील समुदाय के लोग बकरी पालन भी करते हैं। इनका ये मुख्य व्यवसाय होता है बकरी पालन। बुरा राम भील की ये बकरियां हैं, और इनका जो गवर्नमेंट की तरफ से जो लैटरिन बाथरूम पास हुआ, आप देख सकते हो ऐसी कंडीशन है लैटरिन बाथरूम की इनकी। और यो नल गर्रो है या पास में लोग? वो तो मोटर को खुद नल देख रहे हो ना साथियों, ये नल कोई गवर्नमेंट का नल नहीं है। गवर्नमेंट का नहीं है, गवर्नमेंट वादा करती है घर घर जल जीवन मिशन के तहत पानी पहुंचाएंगे। अरे ये टीएसपी क्षेत्र का लाइव दिखा रहा हूँ साथियों, टीएसपी क्षेत्र में ये खुद के घर का, खुद की ट्यूबवेल
इन्होंने खुद के पैसों से ट्यूबवेल लगा के जो नल लगाया हुआ वो नल दिखा रहा हूँ साथियों। इस तरह का जो टीएसपी क्षेत्र का अगर इस तरह का है तो खमनौर कुंभलगढ़, मैं तो साथियों मांग करना चाहता हूँ, तो खमनौर कुंभलगढ़ की जो पीड़ित जनता है काफी लंबे समय से टीएसपी की मांग कर रही है, इस क्षेत्र को टीएसपी करने से वाकई में फायदा होगा। 2019 में टीएसपी होने के बाद यहाँ पे कुछ फायदा नहीं हुआ है, लेकिन मैं यहाँ टीएसपी का जो बजट है, जो लूटने वाले हैं, कागजों में लूटने वाले हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि इन आदिवासियों के इन घरों झोंपड़ियों में आकर देखिए ये आदिवासी किस तरह रहते हैं, और इन इन आदिवासियों को इनका जो हक है, इनका जो अधिकार है, इनका जो इनको जो मिलना चाहिए इनको मिलना ही चाहिए। नहीं तो तुम्हारा अब भी अगर आप इन आदिवासियों को बेवकूफ बनाने की काम कर रहे हो तो अब नहीं चलेगा। आदिवासी यहाँ का जग चुका है। कल आप देख सकते हो महापड़ाव, बहुत बड़ा महापड़ाव था और उस महापड़ाव में बड़ी संख्या में आदिवासी यहाँ उपस्थित हुए थे। अब हम यहाँ का आंगनबाड़ी केंद्र दिखाने की कोशिश करेंगे। ये यहाँ का आंगनवाड़ी केंद्र है, जो ये बना हुआ है आंगनवाड़ी केंद्र, जो भी थोड़ा डीप में यहाँ पे बना हुआ है, केवल इस बस्ती में गवर्नमेंट के नाम पे केवल एक आंगनवाड़ी केंद्र ही बना हुआ है, जिसके अंदर भी बता रहे पानी गिरता है, बहुत गिर रहा है और पंचायत बार बार रिपोर्ट दी थी। हम थोड़ा आंगनवाड़ी को बाहर से दिखाने की कोशिश करेंगे। और आज दिन तक पंचायत ने यहाँ कोई मरम्मत नहीं कराई, पूरा आंगनवाड़ी। ये देख सकते हो आंगनवाड़ी केंद्र आवा का भीलवाड़ा, ये तड़ी है, देखो ये तड़ा आई थी ऊपर, इसमें दरार आ चुकी है। ये यहाँ के प्रशासन का काम दिखा रहा हूँ मैं दरातल पर, कि ये ऐसा भवन बनाते हैं जिसमें देख सकते हो आप सामान मिलने से का इतना बड़ा आला हो रहा है मायने देखो, और अंदर भी बता रहे हैं पानी गिर रहा है, और इसकी छत दिखाई ऊपर इसकी इस तरह की इन्होंने छत बना रखी है, तो पानी नहीं गिरेगा तो क्या होगा। और ये आवा का भीलवाड़ा माँ आंगनवाड़ी केंद्र का ये जो भवन है ये जर्जर कंडीशन में है, और इसकी सुध लेने वाला भी कोई नहीं है, इसके अंदर पोषण सामग्री रखने की भी जगह नहीं है। बताया जा रहा है मोहल्ले वासियों के द्वारा, देखिए कि ये बता रहे हैं कि यहाँ अंदर पानी गिरता है, सामान मिलने की जगह नहीं है, बिल्कुल अल्लाह भेजा है सामान। और हम ये देखे मैं देख देखिए मैं प्रधान पंचायत को कह दिया, सरपंच बुला के बता दिया, सचिव बजरंग सचिव वो कह दिया ऐसे ही चलेगा, बजरंग सचिव विकास अधिकारी वो कह रहे ऐसे ही चलता रहेगा, और परेशान हूँ और पंचायत से परेशान हूँ, मेरा काम नहीं होता। तो ये भील आदिवासी इनके जो स्थानीय प्रशासन ग्राम पंचायत से भी दुखी हैं, ये जाके रिपोर्ट देते हैं उसके बावजूद भी इनका काम नहीं होता है। आज के इस वीडियो में हम बस इतना ही दिखाने की कोशिश करेंगे, कुछ एक परिवार और है हम कवर करके दिखाएंगे, उसके बाद वीडियो पर काफी लंबा हो रहा है साथियों, बने रहे हमारे वीडियो पर। तब तक के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपको दिखा रहे हैं कुंभलगढ़ का टीएसपी क्षेत्र का आदिवासी परिदृश्य, इनका रहन सहन, खान पान और इनका जो जनजीवन है, घनघोर जंगल का जनजीवन हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। यो आपने घरे जाओ रस्तो है यो आपरो घर है? अच्छा अच्छा अच्छा, आपरो कई नाम है? गंगा। गंगा आप पढ़े लिखे कर रखी है आप? कटा तक बने की थी? आठवीं तक कर रखी है। अभी का कई काम करो आप? नरेगा वगैरह में? मेट वगैरह रुका नहीं क्या? नरेगा मेट वगैरह? ये राम 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 राम, ये आपके सासुआ हैं। आप लोग का नाम है? ज्योत की भाई है, देख सकते हो इन्होंने जो पहनाव पहन रखा है ना साथियों, ये अपना पूरा का पूरा जो पहनाव है आदिवासी कल्चरल पहनाव है। यहाँ के जो लोग है ना इस तरह का पहनाव पहनते हैं, पुराने ये जो ड्रेस है, ये जो आपने ओढ़ रखा है ना इसको क्या बोलते हैं? इसको लुगड़ा बोलते हैं, इसको आदिवासी भीलों के भाषा में भीली लैंग्वेज में लुगड़ा बोलते हैं। और ये पहन रखा है इसको घाघरा, घाघरा भीली भाषा में घाघरा बोलते हैं। हाँ। ये जो कान में पहन रखे ये झुमरिया झुमरिया, और ये तो मादलिया,
अच्छा पुराना चांदी का, चांदी के हैं, प्योर चांदी के हैं ये पुराना पहना, आज की महिला नहीं पहनती है, आज की महिला थोड़ी फैशन में बाहरी वातावरण के वजह से थोड़ा जो संस्कृति में थोड़ा फेरबदल आया है, लेकिन इनका पुराना जो कल्चरल है यही कल्चरल है। ये जो कहते हैं आदिवासियों कि ये मांग वगैरह नहीं भरते हैं, तो आप कभी मांग वगैरह भरी है? पहले पुरानी महिला यूँ की तो मांग भी नहीं भरते हैं। पहले आप पन्निया ना बेटे में मांग भरी है आपने? अच्छा, मतलब इनके आदिवासियों की संस्कृति है जो कवर करने की कोशिश करके जान रहे हैं कि इनके किससे रहन सहन है, इनका जो इनका जो जीवन है किस तरह का है, हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इनका कच्चा मकान है, आप देख सो कच्चा है, इनके ये बच्चे हैं और ये अंदर का आप देख सकते हो इनका ऐसा व्यू है। और ये लाइट कनेक्शन कभी भी हो साल भर हुआ है ना। ये इनका ये भी कच्चा मकान है, आप देख सकते हो। और इसके अड़ी महीने कितना मनक रहे? तीन। तो आप अड़ी घर में ही रहे हो गए? आपको ये देख सकते हो चलो ये कुछ आदिवासी बच्चे हैं। आप कतरी बढ़िया लगा नवी बने ला अभी देख सकते हो। इन महिलाओं ने भी पढ़ाई कर रखी है, काम वाम कहीं करो आप? खेती बाड़ी, बस खेती बाड़ी। आपके घर वाला कहीं काम करे? हेल्पर है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो साथी आइए हम इनका घर दिखाते हैं। यही इनके जाने का रास्ता है साथी, आने जाने का। खेत पर ये मकान बना के रह रहे हैं। ये इनका मकान है और देख सकते हो ये पत्थरों से बनाया हुआ मकान है। आपने गाँव वाला गाँव नहीं वाला ऊपर है आपने? कतरा बच्चा बच्ची आपने परिवार में? बच्चा नहीं है। घर वाला क्या करे आपने? सनेरो काम करे। तो आपने मकान पास नहीं किया? अंदर भी जाके हम दिखाने की कोशिश करेंगे। छोटा सा कमरा है, एक खाट लगा हुआ है और इधर ये चूल्हा है, किचन है और देख सकते हो इनकी जरूरत का कुछ सामान यहाँ पे रखा हुआ है। और इसका आप देख सकते हो बहुत ही खराब कंडीशन इस मकान की है। और इनके कहने का मतलब ये है कि भाई गाँव मल्ले नहीं शक्कर मल्ले नहीं एक पहले वो 3 लीटर घास तेल मलतो वो जरूर। कूपन कैसे? एपीएल बीपीएल नीला कूपन नहीं पे भाग भाग जमी है मारे का क्या हरा जीरे मारे हरा तो घर घर सब बड़े घर में सब बड़े डिग्री में आपने नहीं मिला आपने घर वाला क्या करे? वो घर वाला मजदूर करे भारा ना के यहाँ देख सकते हो। ऐसे परिवार मिल जाएंगे ऐसे गाँव में अगर देखा जाए जो करोड़पति हैं लखपति हैं उनके बिजनेस चल रहा है, होटलें चल रही हैं, उनको गेहूं दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से और इन जरूरतमंद भील आदिवासियों का क्या दोष है? इनको गेहूं नहीं मिल रहा है, इनको ना मकान मिल रहा है। इंदिरा आवास हो या मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री आवास हो कौन से भी आवास की इनको अभी तक मकान नहीं मिला है। इन आदिवासियों की कौन सूद लेगा? ये कह रहे हैं इनका कहना है कि जो पैसे वाले हैं पढ़े लिखे हैं उनको सब कुछ मिलता है लेकिन हम आदिवासियों को नहीं मिलता है। ये टीएसपी क्षेत्र का व्यू दिखा रहे हैं, कुंभलगढ़ का यह टीएसपी क्षेत्र है। तो आप पूरी तरह जो खावा पी वाली जो सब्जी वगैरह लाओ वे कटो लाओ सब्जी हाँ खेती बाड़ी
खेतीवारी खेतीवारी हूं लावन करे बाजार लावन बाजार लावन करे खेतीवारी हूं। तो लो जब वोट मांगने आते हैं ना तब तो आप मांगे करो ना, हमारे मकान चाहिए हमें ये चाहिए, आप नहीं मांगते कौन ना, कोई सुनवाई नहीं करे, कोई सचिव करे नहीं, कोई सरपंच करे नहीं, ना कोई सुनवाई नहीं करे, अनपढ़ मारे को रेडियो फॉर्म न पाने भाई अनपढ़ वेड़ा बरबर से ना तो सुनवाई नहीं करे ना नौकरी वाला बनारी सुनवाई झट करे सरकार भगवान। तो ये भगवान भरोसे ये लोग जी रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, घनघोर जंगल में है इन आदिवासियों का ये रहन सहन हम दिखाने की कोशिश कर रहे थे। और ये है तोरई की सब्जी, ये गर्मी में वाया लगा नहीं तोरमी, तो ये मंडी जाती है इनसे आपका इनकम वगैरह होता है ना, इसी से जो पैसा आता है। ये बैंगन का पौधे हैं वो रखे हैं, इनका घर का भी बाहर से दिखाना, इस तरह का इनका घर का जो ये है आपको दिखा रहे थे। तो इस तरह का यहाँ का आदिवासियों का जनजीवन है टीएसपी क्षेत्र का साथियों।